झुंझुनू टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। चिड़ावा व सिंघाणा क्षेत्र में सक्रिय हनी गैंग से जुड़े दो बदमाशों को देसी कट्टे व जिंदा कारतूस के साथ साकंबरी से किया गिरफ्तार। चिड़ावा व सिंघाणा क्षेत्र में सक्रिय हनी गैंग से जुड़े दो युवकों को सीकर डीएसटी और रानौली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी अड़ूका निवासी आकाश पुत्र जगदीश नायक तथा पिलानी की लोहारू रोड के वार्ड नंबर 19 निवासी मुकुल वर्मा पुत्र सुभाष चंद्र नायक है, जिनके पास से पुलिस ने दो देसी कट्टे व चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों युवक बाइक से जयपुर जा रहे थे। सीकर डीएसटी प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि कांस्टेबल विकास एवं मुकेश को मुखबिर से दोनों युवकों के पास अवैध हथियार होने तथा बाइक पर उदयपुर वाटी से साकंबरी की ओर जाने की सूचना मिली, जिस पर रानौली थानाधिकारी कैलाश चंद्र ने नाकाबंदी करके दोनों युवकों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों युवकों के पास अवैध हथियार भी मिले। दोनों युवकों ने हनी गैंग से जुड़े होने की बात भी कबूल ली है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शहर के कुरेशी गेस्ट हाउस में पट्टा वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तृतीय चरण में वार्ड नंबर 4, 5 व 6 का शिविर कुरेशी गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। इस दौरान पट्टा वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। चिड़ावा नगरपालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में कुल 38 पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान नगरपालिका ईओ जुबेर खान, कनिष्ठ अभियंता नवीन सैनी, नगरपालिका कर्मचारी संजय कुमार, सुरेंद्र कांगड़ा, ओम प्रकाश सैनी, नरेंद्र, दीपक जांगिड, राजकुमार शर्मा, मनीष शर्मा, महेंद्र गुरावा, रामनिवास माठ, हनुमान प्रसाद शर्मा, नरसाराम सैनी के अलावा पार्षद निखिल चौधरी, निरंजन सैनी, सतपाल जांगिड, लोकेश कटारिया, मदन डारा, जगदीश प्राण, गंगाधर सैनी, रमाकांत, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश पूनिया, चरण सिंह, विमला देवी, रामजी लाल, समाज सेवी शीशराम सैनी, दयाराम, सुशील, असलम सहित अन्य मौजूद रहे। 19 पट्टे तो कृषि भूमि के हैं और 16 पट्टे उन्नत के और 3 पट्टे हैं वो स्टेट ग्रांट के। और लोगों से मेरा यही कहना है कि जो राज्य सरकार ने जो मुहिम चलाई है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत ने कि हर आदमी को अपने घर का सर्टिफिकेट मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे बनवाए। यहाँ पर कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, सभी तत्पर हैं कि भाई जल्दी से जल्दी उनके। शहर में संचालित राजकीय महाविद्यालय में कला संकाय में प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी। सामान्य वर्ग की मेरिट 84.40% रही। शहर में झुंझुनू रोड पर संचालित मास्टर हजारीलाल शर्मा राजकीय कॉलेज में 2022-23 में कला संकाय प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी की गई है। प्राचार्य डॉक्टर रेणु सांगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 200 सीटों के लिए 581 आवेदन मिले थे, जिसके आधार पर कट ऑफ जारी की गई है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग की मेरिट 84.40 और वेटिंग लिस्ट 73.60, ओबीसी वर्ग की 80.60 तथा वेटिंग लिस्ट 67.20, एमबीसी की 60.60 वेटिंग 55.80, एससी की 76.80 तथा वेटिंग 67.20% रही। नोडल अधिकारी विनोद कुमार और प्रवेश समिति सदस्य संजय मरोड़िया ने बताया कि अंतरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा लिस्ट में सफल घोषित अभ्यर्थियों को 10 अगस्त तक महाविद्यालय में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं ई मित्र पर शुल्क जमा करवाना होगा। बीए पार्ट द्वितीय व तृतीय वर्ष की शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त रहेगी। बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी में अखिल भारतीय आईपीएससी प्री सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ भव्य स्वागत। आज दिनांक 5 अगस्त को बिरला बालिका विद्यापीठ में 3 दिवसीय अखिल भारतीय आईपीएससी प्री सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एल बी लक्ष्मीकांत राठौड़ उप कुलपति पालामरू विश्वविद्यालय तेलंगाना थे। उद्घाटन समारोह में विद्यालय प्राचार्य डॉ. एम कस्तूरी ने मुख्य अतिथि का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि बिरला शिक्षण संस्थान के निदेशक मेजर जनरल एसएस नायर अति विशिष्ट सेवा मेडल के निर्देशन एवं प्रोत्साहन से आज विद्यालय शिक्षा और खेल सहित सभी क्षेत्रों में नई उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। उन्होंने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। समारोह के दौरान बिरला बालिका विद्यापीठ के सुविख्यात बैंड ने अपनी अद्भुत प्रदर्शनी से सभी अतिथियों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में विद्या देवी जिंदल स्कूल हिसार ने
असम वैली स्कूल असम को 3-0 से हराकर प्रतियोगिता की पहली जीत दर्ज की। उद्घाटन समारोह के दौरान सुधीर कुमार बरई, निदेशक बिट्स पिलानी, घनश्याम सिंह गोड, मुख्य वित्त अधिकारी बिरला शिक्षण संस्थान, प्रशासनिक अधिकारी डालमिया एवं जनसंपर्क अधिकारी शौकत अली, डॉक्टर सांकला सहित बीईटी एवं बिट्स के मुख्य पदाधिकारी, कैप्टन अलोकेश सेन प्राचार्य बिरला पब्लिक स्कूल, पवन वशिष्ठ प्राचार्य बिरला शिशु विहार, धीरेन्द्र सिंह प्राचार्य बिरला स्कूल पिलानी, प्रतियोगिता की संयोजिका असला वर्मा डीन एकेडमी, संयुक्त संयोजिका सावित्री धायल सीनियर कोऑर्डिनेटर तथा सचिव मनोज कुमार शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने पिलानी में समझाइश के साथ काटे चालान। एडीजी ट्रैफिक पुलिस राजस्थान सरकार के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस द्वारा राज्य भर में 4 से 7 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज पिलानी कस्बे में यातायात नियमों के तहत मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस ने 15 वाहन चालकों के चालान काटे। ट्रैफिक इंचार्ज महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यातायात शाखा पिलानी राजस्थान पुलिस के एडीजी साहब ट्रैफिक के निर्देशन में 4 तारीख से 7 तारीख तक हेलमेट, सीट बेल्ट, 185 शराब पिए हुए चालक और मोबाइल, चलती हुई गाड़ियों में मोबाइल करना, इनका अभियान चल रहा है। हेलमेट इनका अभियान चल रहा है। उनके साहब के निर्देशन में हमारे आईजी साहब रेंज जयपुर, श्रीमान एसपी साहब झुंझुनू, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब झुंझुनू, सीओ साहब चिड़ावा, एसएचओ साहब पिलानी, इनके निर्देशन में जगह जगह टीम बना करके हम कार्रवाई कर रहे हैं। बावलिया बाबा की तपोस्थली बगीनिया जोहड़ में विद्यार्थियों ने वृक्ष मित्र अभियान के तहत लगाए हजारों पेड़। चिड़ावा जन कल्याण सेवा संस्थान व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में बावलिया बाबा की तपोस्थली बगीनिया जोहड़ में 2100 पौधे लगाए गए। एबीवीपी जयपुर प्रांत सह संगठन मंत्री उपमन्यु सिंह ने कहा कि विकासार्थ विद्यार्थी वृक्षारोपण अभियान के तहत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी व उद्यमी हुक्मीचंद लांबीवाला, संजय थालोर, डॉक्टर महेंद्र नेहरा, विकास कुलहरी, न्यू शेखावाटी डिफेंस अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष जांगिड़ रहे। संस्थान के सदस्य मनोहर लाल जांगिड़ ने मंच संचालन किया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं व न्यू शेखावाटी डिफेंस अकेडमी तथा जेएल के स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने पौधारोपण किया। चिड़ावा जन कल्याण सेवा संस्थान के अध्यक्ष रविकांत शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद विभाग संगठन मंत्री शमशेर सिंह, पूर्व प्रधान व भाजपा नेता कैलाश मेघवाल, राजेश गोदारा, उम्मेद भुक्कर, पुनीत बड़गुजर, विकास कसवा, रजनीश कुमावत, हेमंत सैनी, भवानी सिंह, निखिल मावंडिया, हिमांशु, सुमित सोनी, विशाल भारतीय, विक्की हर्षवाल, पुष्पा बगेरिया, अंजू वर्मा, प्रशांत चौमाल, अनुराग जोया, राजेश स्वामी, रमेश स्वामी, विनय सोनी, संस्थान सचिव आशीष जांगिड़ सहित सैकड़ों छात्र एवं राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राएं व शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।